तो चलो बच्चों, सर्कुलर मोशन का एक नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या है कि देखो, प्रॉब्लम फिजिक्स के प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं है कि यार फार्मूला रट ली और तब तो तुम हमेशा परेशान रहोगे। प्रॉब्लम का मतलब है उसके आसपास की चीज़ों को समझो। तो एक बार समझ गए तो फिर आपको दिक्कत तो कभी आएगी ही नहीं फिजिक्स में यार, वही चीज़ बार बार उठ के आएगा। तो ये कहता है कि ये टर्न हैज रेडियस 10 मीटर, मतलब एक टर्निंग है, बट ये व्हीकिल एक कार है, एवरेज स्पीड 18 मीटर पर आवर से मुड़ना चाह रही है। व्हाट शुड बी द प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग? तो अब देखो, जब हम कभी भी हम मोड़ पे मुड़ते हैं, टर्न होता है, मोड़ पे मुड़ते हैं, तो रोड जो है वो जनरली सीधी नहीं होती है, तो वो वर्टिकल से जो रोड होती है वर्टिकल से थोड़ी डिग्री थीटा डिग्री झुकी रहती है। तो पहले इस प्रॉब्लम को समझो, अगर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ तो क्या क्या डेटा दिया हुआ, उस डेटा को लिखते हैं बच्चों। सबसे पहले रेडियस ऑफ द टर्निंग, जिस सर्कल में मुड़ रहा है उसकी रेडियस है 10 मीटर। एवरेज स्पीड कितने से मुड़ रहा है वो? 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 18 किलोमीटर पर आवर, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यह जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड से वो मुड़ रहा है। तो हमें एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं इन चारों ऑप्शन में से कितना। पहले तो क्वेश्चन को समझो। तो जब कभी भी बच्चों, ये आपके 3D व्यू डायग्राम है, तो ये मैं बहुत मेहनत करके बच्चों ये डायग्राम बनाता हूँ, और आई होप कि आप बेहतर तरीके से हमारी बात को समझ रहे होंगे कि ये कैसे ये सब किया जाता है। तो आप मुझे पूरा सपोर्ट करेंगे कि कितना मेहनत लगता है इसको वीडियो बनाने में। तो यहाँ से ये देखो, ये वाली जो रोड है वो सीधी तो है नहीं, तो ये हॉरिजेंटल वाली, ये इंक्लाइंड वाली लाइन है। तो ये जो इंक्लाइंड वाली लाइन है, तो ये जो रोड है इनके, ये हॉरिजेंटल वाली लाइन है, तो हॉरिजेंटल से ये थीटा डिग्री पे रोड झुकी हुई है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये इस थीटा की कैलकुलेशन करनी है, और ये यहाँ पर वर्टिकल वाली लाइन है। अगर ये कार ऐसे मुड़ रही है तो ये वो सर्कल है जिस सर्कल में कार मुड़ना चाह रही है। दिस इज द सर्कल, इस सर्कल में कार मुड़ना चाह रही है, और ये एंगल हमें थीटा डिग्री हमें निकालना है। इसको मैं आप ऐसे भी आपको एक बार और फील करा देता हूँ। तो जैसे ये रोड है अपनी, ये रोड सीधी नहीं है, इंक्लाइंड प्लेन है। तो इस इंक्लाइंड प्लेन को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ आपके लिए। तो एक रोड ऐसे बोर्ड के अंदर से ऐसे गाड़ी आ रही है यहाँ पे। तो अगर गाड़ी आ रही है तो ये वाली अपनी गाड़ी है जो बोर्ड के अंदर से आ रही है बच्चों। तो बोर्ड के अंदर से ऐसे आ रही है, तो ये रोड झुकी हुई है, तो ये एंगल हमें निकालना है। और रेडियस कौन सा है भाई, किस सर्कल में मुड़ रहा है? तो जिस सर्कल में ये गाड़ी मुड़ रही है वो जो है वो ये वाली रेडियस है, ये वाली सर्कल है जिसमें वो सेंटर वो है, और ये रेडियस आर है। ठीक है ना? तो ये तो हम सबसे पहले, अगर आपको फार्मूला डायरेक्ट याद है, ध्यान देना यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ सरफेस क्या है, स्मूथ है, म्यू है। ठीक है, तो अगर म्यू है तो अगर मैक्सिमम स्पीड का हमें डायरेक्ट फार्मूला याद है, तो मैक्सिमम स्पीड यहाँ पर होती है वो होती है म्यू। म्यू और ये फ्रिक्शन तो है ही नहीं भाई, तो यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड जो आ जाती है वो हमें पहले से याद है, 10 थीटा, और रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ RG 10 थीटा अंडर रूट। तो ये मैक्सिमम स्पीड है, ये कहाँ से आया? बहुत आसान है भाई। ठीक है, इस गाड़ी पे नॉर्मल ऊपर लगेगा और ये MG नीचे लगेगी। ठीक है, तो बस फ्रिक्शन है नहीं, और बेसिकली नॉर्मल ऐसे लगेगा। तो अगर ये थीटा है तो ये वाली जो एंगल है ये भी थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो नॉर्मल ऐसे आ जाएगा इंक्लाइंड प्लेन पे। तो नॉर्मल कंपोनेंट N cos थीटा इधर आ जाएगा और N sin थीटा इधर आ जाएगा। तो अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, N sin थीटा नॉर्मली प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, MV² और रेडियस आर, और जो N sin N cos थीटा है वेट MG को बैलेंस कर लेगा। तो फर्स्ट से सेकंड में डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा। मान लो फार्मूला कोई भूल गया उनके लिए, तो ये जो है सबकी वैल्यू डाल दो यहाँ से। तो मैक्सिमम स्पीड अगर हमें निकालना है सबसे पहले, तो मैक्सिमम स्पीड निकालने के लिए हमें Vmax² कर देते हैं। तो Vmax² हमें 10 थीटा चाहिए, तो 10 थीटा इज इक्वल टू RG। तो यहाँ से 10 थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो मैक्सिमम स्पीड और डिवाइडेड बाई RG के इक्वल हो जाएगी। तो मैक्सिमम स्पीड कितनी है बोलो? तो मैक्सिमम स्पीड है यहाँ बच्चों 5 और 5 का स्क्वायर,
और जी की वैल्यू हमने 10 ले लेना, रेडियस भी 10 है, तो कुल मिला के आ जाएगा 25/100, मतलब ये आ जाएगा 1/4। तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स 1/4। मतलब अगर आपको इस मोड़ पे इतनी मैक्सिमम स्पीड से मुड़नी है तो आपको एंगल ऑफ बैंकिंग इतना ही रखना पड़ेगा। दैट इज बी ऑप्शन सही है प्यारे बच्चों।